चलिए सीधे आपको ले चलते हैं ऋषिकेश, जहां पर मुख्यमंत्री धामी जनता को संबोधित कर रहे हैं। हमें निवेदन है कि यहाँ पर आकर उत्सव आज के इस भव्य दिवस पर हम सबके मुख्य रखे तालियों के साथ स्वागत करिए आदरणीय पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज। कि हम सर्वे भवतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव के साथ एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण विश्व निर्माण के किसी प्रकार कार्य करते रहेंगे। आज उत्तराखंड के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन की सरकार देश को, हमारे देश में उत्तराखंड राज्य को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमने जो विकल्प रही संकल्प लिया है, उस विकल्प रही संकल्प को सार्थक करने के लिए लगातार काम कर रही है। उसमें हमें आप जैसे सभी योगाचार्यों का, सभी हमारे धर्म के क्षेत्र में काम करने वालों का, अध्यात्म के क्षेत्र में काम करने वालों का, आयुष के क्षेत्र में काम करने वालों का और शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वालों का, G20 की जो बैठक है उसकी भी दो बैठकें यही इसी ऋषिकेश की आध्यात्मिक भूमि, जिससे पूरा विश्व आने वाले समय में परिचित हो जाएगा। वैसे तो ये विश्व प्रसिद्ध स्थान है ही, लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसी जो हमारी योग की भूमि है, इस योग की भूमि में हमको एक नहीं दो दो G20 की बैठकें यहाँ पर दी। नहीं बैठते हैं किसी के सभी हमारे सुबोध मिंद्रा जी हैं, इसके विधानसभा के जो है वहाँ के विधायक के नाते भी ये होस्ट के रूप में भी रहेंगे और महाराज जी हमारे पर्यटन मंत्री हैं तो रहते रहेंगे, यहाँ के विधायक, ये सब संपूर्ण क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये जो है पूरा उसमें आने वाला हमारी मेयर साहिबा जी तो सब लोग मिलकर आप तो सचिव चुर्भे जी तो ये पूरा क्षेत्र जो है ये ग्लोबल टू लोकल का जो मंत्र है उसको बिल्कुल साकार करने वाला है। और भाइयों बहनों, अभी चार धाम यात्रा पिछले वर्ष की जो चार धाम यात्रा थी उसने अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि हमारे सामने बहुत चुनौती भी थी और उन चुनौतियों के बाद भी चुनौतियों के बावजूद भी गत वर्ष की यात्रा अपने आप में रिकॉर्ड यात्रा, जिसमें 50 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने, ज्यादा तीर्थयात्रियों ने देश विदेश से आकर इस पुण्य भूमि का दर्शन किया है, यहाँ की देव भूमि का दर्शन किया है, चारधाम यात्रा में भाग लिया है। और इस वर्ष भी बड़ी संख्या में गगन महाराज जी, कितना अभी कितना हो गया पंजीकरण, कितना पंजीकरण हो गया अभी, केवल दो धामों का, बद्री विशाल और केदारनाथ धाम के लिए, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी के 151,000 लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन अपना करवा दिया है। और बंगाल मंडल विकास निगम में लगभग 4 करोड़ की धनराशि की अभी तक बुकिंग करवा दी है। और जो हमारे होटल व्यवसायी डिस्ट्रिक्ट वगैरह बैठे हैं तो इनकी बुकिंग भी अच्छी खासी आ गई होगी। और हम लोगों के लिए भी बड़ी चुनौती है कि इस बार की जो यात्रा है वो ऐसा लगता है कि माँ गंगा के आशीर्वाद से, यहाँ के देवों के आशीर्वाद से पिछले वर्ष की यात्रा से भी बड़ी होने लगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार बहुत पहले से यात्रा की तैयारी प्रारंभ कर दी है। एक बड़ी यात्रा की समीक्षा बैठक हम लोग पहले कर चुके हैं और निरंतरता से जो भी चीजें हैं, पिछले वर्ष की यात्रा में हम लोग चाहते थे कुछ करना, वो चूंकि समय की कमी के कारण से, यात्रा की अत्यधिक व्यस्तता के कारण से बहुत चीजें संभव नहीं हो पाई, फिर भी हमने प्रयास किया। लेकिन इस बार हम पहले से ही प्रयास कर रहे हैं कि जो यात्री आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, पर्यटक आएंगे, उसकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो,
सुरक्षित हो और भगवान की मनोकामना पूर्ण करें। भाई बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब हम योग महोत्सव में यहाँ भाग ले रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि योग का घर घर तक प्रचार हुआ है। आज योग पार्ट ऑफ लाइफ नहीं बल्कि यह जीवन जीने की पद्धति वे ऑफ लाइफ बन चुका है। हमारे ऋषि मुनियों की तपस्वी ऋषिकेश जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिसे योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया है, आज वो योग ऊर्जा और विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का एक तरह से मैं कहूं कि पारस्परिक रूप से पूरे विश्व के अंदर एक आधार भी बन रहा है। भाइयों बहनों, योग मानव मात्र को निरोगी जीवन जीने का विश्वास दे रहा है। आज दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं। तेजी से योग बढ़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि योग की यह नादी यात्रा अनंत भविष्य की दिशा भी ऐसी ही आगे बढ़ती जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस योग महोत्सव में आयोजित होने वाले सत्रों की सार्थक चर्चा हमारी सरकार को योग के क्षेत्र में, आध्यात्मिक के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में और उत्तराखंड को पूरे विश्व के अंदर और अधिक कार्य करने के लिए निश्चित रूप से प्रेरणा भी देगी, प्रेरित भी करेगी और यहाँ से जो विचार निकलेंगे वह निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए आगे का कार्य हमको कैसे करना है, किस रूप में करना है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा सहयोग होगा। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूँ कि हम सर्वे भवतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः के भाव के साथ एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण विश्व निर्माण के किसी प्रकार कार्य करते रहेंगे। आज उत्तराखंड के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन की सरकार देश को, हमारे देश में उत्तराखंड राज्य को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमने जो विकल्प रही संकल्प लिया है, उस विकल्प रही संकल्प को सार्थक करने के लिए लगातार काम कर रही है। उसमें हमें आप जैसे सभी योगाचार्यों का, सभी हमारे धर्म के क्षेत्र में काम करने वालों का, अध्यात्म के क्षेत्र में काम करने वालों का, आयुष के क्षेत्र में काम करने वालों का और शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वालों सभी भाई बहनों को सभी का सहयोग भी चाहिए, सभी का मार्गदर्शन चाहिए। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और इस बार मुझे यह भी बताते हुए खुशी हो रही है कि 23 वर्षों के इस कालखंड में, हमारी राज्य स्थापना के 23 वर्षों का कालखंड हो गया है, इन 23 वर्षों में जो कर्तव्य पथ की इस बार की जो झांकी थी, और झांकी में मानस में उत्तराखंड की जो झांकी है जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति का रक्षण, उसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आप सभी युवाचार्यों सबको उपस्थित सभी लोगों को, उत्तराखंड वासियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज पूरी दुनिया हमारे प्रदेश की पहचान, उत्तराखंड राज्य की पहचान योग और अध्यात्म की जननी के रूप में है। यह हम सभी का दायित्व है कि इस पहचान को और विस्तार देने की आवश्यकता है और हम उसको और सार्थकता से जीने की आवश्यकता है और सभी लोगों को इस दिशा में प्रेरित करने की और साथ ले जाने की भी हम सबका दायित्व बनता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी हमारी सरकार के इस लक्ष्य को, जो विकल्प नहीं संकल्प है, योग और अध्यात्म की जो राजधानी है, उसको सार्थक रूप देने के लिए आप सब अवश्य ही अपना योगदान देंगे, अपना सहयोग देंगे। एक बार पुनः मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस महोत्सव के आयोजन के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर आस्था पर जो प्रदेश शुरू तक है, उसके लिए घोषणा भी करता हूँ कि हमारे सभी आने वाले लोगों के लिए माँ गंगा के तट पर इस सेतु का विस्तार का कार्य किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की। अरे हाँ, मैं साथ में ही हूँ।
मुख्यमंत्री।